हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली लॉजिकल डिजाइन क्या होता है? लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज अ एक्चुअल डिजाइन फ्लो ऑफ हाउ इट कंपोनेंट्स शुड अरेंज टू अ कंप्लीट अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। तो क्या ये एक एक्चुअल डिजाइन फ्लो है? किसी भी हम जो सिस्टम्स तैयार करते हैं, आईओटी में जो डिवाइसेस हम बनाते हैं, क्या है लॉजिकल डिजाइन है जो उसका एक्चुअल डिजाइन फ्लो बताता है। क्या बताता है? हमें एक्चुअल डिजाइन फ्लो बताता है और बताता है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर्स हो सकता है, या तो सेंसर्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्चुएटर्स। सिमिलरली इसमें और सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग डिवाइसेस हो सकता है जिसमें डिस्प्लेज आते हैं, एलईडी बल्ब्स आते हैं। सो दोज आर द मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस अब क्या करेंगे, ये डिवाइसेस मिलके क्या करेंगे, शुड अरेंज टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये सारे डिवाइसेस मिलके क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक काम को परफॉर्म करेंगे। लेट्स से कि हमने एक आईओटी डिवाइस बनाया है जो हमें क्या बताता है, हमारे ब्लड का प्रेशर बताता है। ऑलराइट, अब ब्लड प्रेशर बताता है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, पहले तो एक सेंसर यूज करेंगे जो कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करे कि हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना है। अब उसने, उस सेंसर ने डाटा इधर सेंस कर लिया, अगर डाटा सेंसर ने डाटा सेंस कर लिया, अब वो सेंसर उस डाटा को किसको भेजेगा, गेटवे को भेजेगा या माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा या कंप्यूटर को भेजेगा। फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज का हमें डाटा दिखाएगा किस फॉर्म में, या तो वो ग्राफिकल फॉर्म हो सकता है या फिर डिस्प्ले में, किसी भी फॉर्म में हमें क्या दिखाएगा, वो डाटा दिखाएगा। डाटा किसका दिखाएगा, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। तो यहां पे जो आईओटी डिवाइस था, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका पर्पस था ब्लड प्रेशर बताना। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और ले, लेट्स से कि हमने एक टेम्परेचर सेंसर का डिवाइस बनाया है जो कंटिन्यूअसली क्या बताएगा, हमारे रूम का टेम्परेचर बताएगा एंड ह्यूमिडिटी बताएगा कि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है या हमारे रूम की ह्यूमिडिटी कितना है। तो अब ये क्या करेगा, सेंसर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूअसली रूम की जो गर्मी है, जो ह्यूमिडिटी है, वो अपने अंदर लेगा एंड उस डाटा को क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा। अब उस डाटा को हम चाहे तो अपने फोन पे देख सकते हैं या फिर डिस्प्ले वगैरह लगा के उस डाटा को हम वहां पे देख सकते हैं। सो दीज आर द लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इसमें यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल जो डिजाइन है किसी भी काम को करने के लिए, जो भी मेन पर्पस है, उसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस होंगे, सेंसर्स होगा, एक्चुएटर होगा, मॉनिटरिंग डिवाइस होगा, कंप्यूटर्स होंगे, गेटवे होंगे, जो भी जितने भी डिवाइसेस है वो किसी एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन बताता है, वो बताता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, उसके बाद है, इट डजंट गो इन टू द डेप्थ ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ ईच कंपोनेंट विल बी बिल्ड विथ लो लेवल प्रोग्रामिंग स्पेसिफाइज। अब देखो यहां पर इस चीज का बोलने का मतलब यह है कि यहां पर जितनी भी डिवाइसेज है, जो भी डिवाइसेज है हमारे पास आईओटी में, वो क्या है, जो लॉजिकल डिजाइन है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ये क्या करता है, ये ऊपर ऊपर से कह सकते हैं, या फिर हमें जो हमने पहली लाइन में हमने बात पढ़ी कि एक्चुअल डिजाइन, ये बस उसी चीज के साथ डील करता है और ये ना ही किस पे जाएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए या फिर आईओटी में जो डिवाइसेस होते हैं, टिपिकली उन्हें प्रोग्राम किया जाता है या तो सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में। अभी तो बहुत सारी डिवाइसेस पाइथन वगैरह में भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग रसबरी पाई की बात करें तो रसबरी पाई पाइथन से भी हो जाता है, जावा से भी हो जाता है, या फिर उनके और भी कई सारे लैंग्वेजेस हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिकली सबसे ज्यादा जो फाउंडेशन है वो कह सकते हैं कि वो सी या फिर सी प्लस प्लस में। तो ये उन चीजों से डील नहीं करता है, लॉजिकल डिजाइन जो है वो उन चीजों से डील नहीं करता, ये बस एक्चुअल डिजाइन फ्लो से डील करता है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें इंक्लूड होती है। एक है क्या है, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक। अब आईओटी फंक्शनल ब्लॉक क्या है, ये हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक ये सेपरेट टॉपिक है। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि लॉजिकल डिजाइन के अंदर क्या है, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, और उसके बाद क्या है, आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई। सो दीज आर द सेपरेट टॉपिक्स, हम इस पे एक डिटेल में लेक्चर लेंगे।
एंड वो चीजें आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बट अगर आपको एग्जाम्स में आता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, तो आप इतना लिखेंगे, मोर देन सफिशियंट, आपके नंबर कटेंगे नहीं। ऑलराइट, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा। बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन कीजिए, आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।